सूरत स्थित आशाराम के आश्रम में दो बहनों से दुष्कर्म के मामले में नारायण साय को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। गुजरात के सूरत स्थित आश्रम में दोनों बहनों से दुष्कर्म के मामले में निचली अदालत ने मंगलवार को आसाराम के बेटे नारायण साई को उम्र कैद की सजा सुनाई। अदालत ने शुक्रवार को नारायण साई को दोषी करार दिया था। मामला 11 साल पुराना है। नारायण और आसाराम के खिलाफ सूरत की दो बहनों ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था। पुलिस ने पीड़ित बहनों के बयान और सबूतों के आधार पर केस दर्ज किया था। पीड़ित छोटी बहन ने नारायण साय के खिलाफ ठोस सबूत दिए थे और मौका वारदात को पहचाना था। बड़ी बहन ने आसाराम के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। केस दर्ज होने के बाद साई अंडरग्राउंड हो गया था। करीब 2 महीने बाद दिसंबर 2013 में उसे हरियाणा दिल्ली सीमा के पास गिरफ्तार कर लिया गया था। वह सिख के वेश में मिला था। नारायण पर जेल में रहते हुए पुलिस कर्मचारी को 13 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का भी आरोप लगा था। सालों में अटैक हुआ मेरे हस्बैंड पे और धमकाया भी गया, लालच भी दिया गया, पर हम लोग अडिग रहे। मेरी फैमिली का पूरा सपोर्ट था, इसलिए मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। आश्रम में मतलब जो भी लड़कियां या उसकी एज नहीं देखते थे, छोटी हो या बड़ी हो, मतलब उसको अगर पसंद आ गई तो वो लोग उनका मतलब बुला के शोषण करते। उनके जो भी साधिका या अंगत थी जो इनको पता था, वो लोग उनका ब्रेन वॉश करके उनको अंदर तक भेज देते। ये उनका कोडवर्ड था कि किस लिए बुला रहे, तो बोले ध्यान करने बुला रहे। बस प्रसाद भी देते थे। ये गंगा जमुना ये और हनुमान ये उनके साधिका ही अंगत थे। वो लोग पहुंचाने का काम करते थे। हाँ, गांभू आश्रम में मारा गया। हम लोग जब आश्रम में थे तब हमने देखा था कि उनके पास बड़े बड़े नेता और राजकारणी सब लोग आते थे, तो मतलब उनका कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता। उनके पास सत्ता भी थी, पैसे थे, तो हम जैसे लोग तो उनके सामने आवाज कर ही नहीं सकते। और इतना दबाया, मारा, धमकाया जाता था तो कोई बाहर नहीं। आज भी कई पीड़िताएं होगी पर कोई बाहर नहीं आ रहा। भागने की कोशिश की थी, इसीलिए तो आश्रम से मुझे गंगा जमुना ने हाथ पैर पकड़ के कुटिया में बंद कर दिया। मैं उन सभी महिलाओं को यही कहना चाहूंगी कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है, तो ऐसे लोगों से नहीं डरना चाहिए और आगे आना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि निर्दोष को न्याय नहीं मिलता है और पैसे की और राजकीय सत्ता की जोर चलता है, निर्दोष को भी न्याय मिलता है। और न्यायपालिका पे मुझे पहले भी भरोसा था और आज भी भरोसा है। और आज समाज की हर एक और सब महिलाओं का विश्वास पक्का हो गया है, और भी न्यायपालिका पे।